क्यों कंट्रोल पैनल में पढ़ लिए थे हम लोग कुछ चीज़ें। ऑल प्रोग्राम में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये देखिए, ये सब है, गैजेट्स है, क्रोम है, सब लाइन है, XPS वीवर है। एक्सेसरीज में जब आप जाएंगे तो ब्लूटूथ मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, कनेक्ट टू ए नेटवर्क प्रोजेक्टर मिलेगा, ठीक है, यही सब मिलेगा, ठीक है। एक्सेसरीज में जब आप लोग जाएंगे तो, ठीक है, प्रोजेक्टर, गेटिंग स्टार्टेड है, मैथ्स इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं तो ऐसा हो जाएगा, इसे कर दूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप जौन मन करे तौन बना लेना आप लोग ऐसे, ठीक है। और पेंट मिल जाए, नोट पैड मिलेगा यहाँ से, यहाँ से पेंट मिलेगा, रिमोट डेस्कटॉप है, ये रन है। होता क्या है कि रन कमांड में आप exe फाइल का नाम दोगे तो अपने आप वो प्रोग्राम खुल जाएगा, ठीक है। वो exe मिलेगा कहाँ से, मैं तो इधर से खोज लिया करता था, आप लोग का भी मन करे तो खोज लिया करना जी, ठीक है। जैसे देखिए, रेज एडिट यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं क्या करूँगा जी, सिस्टम 32 है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी कि विंडोज R दबाऊँगा, ठीक है, REGEDIT लिख के एंटर मारूँगा, तो ये देखिए रेज एडिट रजिस्टर एडिटिंग जो है खुल गया, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोग्राम वगैरह वहाँ से खुलते हैं, ठीक है। CMD देखिए, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 बिट के अंदर जो है CMD.exe है। अब मैं विंडोज R दबाऊँगा, CMD लिख के एंटर मारूँगा तो कमांड खुल जाएगा, ठीक है। तो यही exe फाइल वगैरह का नाम आप देंगे तो जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक्सेसरीज में, ठीक है। और फिर बाकी छोटे छोटे स्पिपिंग टूल है, यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे पकड़ के कैप्चर कर लो तो ये खुल गया, आप सेव कर लोगे तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया यहाँ का, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका है कि प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन होता है, आप उसको दबाएंगे तो प्रिंट स्क्रीन कैप्चर कर लेगा, और फिर यहाँ से आके आप पेंट ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल बी दबा देंगे तो ये यहाँ पे आ गया, और सेव आप करेंगे तो सेव हो जाएगा जी ये, ठीक है। तो आप लोग सेव करके देखिएगा ये सब, ठीक ना। और एक्सेसरीज में स्टिकी नोट्स है, साउंड रिकॉर्डर है, साउंड वगैरह रिकॉर्ड आप करेंगे यहाँ से, ठीक है। आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा, लैपटॉप वगैरह होगा तो आप चलाइएगा, ठीक है। ये कुछ नोट्स वगैरह है, यहाँ पे आप कुछ लिख लेंगे इस तरह से कुछ नोट, ठीक है। मैं इसको और क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कितना डिजाइन में बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये देखिए अब एस नो पूछ रहा है, फिर क्लोज करता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर देंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा डिलीट, साधारण सा बात है, क्यों, ठीक है जी। चलिए और देखते हैं क्या है एक्सेसरीज में। विंडोज एक्सप्लोर है, मोबिलिटी सेंटर है, वर्ड पैड है, ठीक है। यहाँ पे इजी एक्सेस में कुछ टूल है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, मैग्नीफायर है, नरेशन है, इजी एक्सेस सेंटर है, ठीक है। यही सब सारे चीज़ हैं, सिस्टम का टूल्स है कुछ, जैसे ये है कंप्यूटर मैनेजमेंट होगा, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क फ्रेगमेंट है, पता नहीं क्या क्या है, दुनिया भर का टूल्स है, पर शायद आपको ज़रूरत कम ही पड़े उसका। विंडोज पावर सेल है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे ये पावर सेल है, ठीक है। मैं जो छोड़ रखा था कंट्रोल पैनल में वो है यूजर अकाउंट बनाना और डिलीट करना। मैं कंट्रोल पैनल ओपन करना हूँ, यूजर टाइप करता हूँ, यूजर अकाउंट बना गया, ठीक है, और यूजर अकाउंट में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी एक ही अकाउंट है ये एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। नया अकाउंट इसमें पासवर्ड डालना है तो आप कैसे डालेंगे, यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए पासवर्ड फॉर अकाउंट,
इसमें क्लिक करेंगे तो बोल रहा है न्यू पासवर्ड डालो, 1 2 3 4, मैं 4 0 दे रहा हूँ, आप लोगों से पूछूंगा तो बताना, 1 2 3 4। ये फिर बोल रहा है कि यहाँ हिंट पासवर्ड कुछ डालो। अब हिंट पासवर्ड से क्या मतलब है जी? हिंट पासवर्ड का मतलब ये है कि आपने कुछ पासवर्ड डाला और थोड़े दिन बाद आप भूल गए, ठीक है, तो कंप्यूटर, आप गलत पासवर्ड डालोगे तो हिंट जो है, पासवर्ड जो है आपको हिंट में दे वो, ठीक है, कि पासवर्ड क्या हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ रखे हैं आप, या फिर फेवरेट कलर का नाम रखे हैं, या फेवरेट फूड का नाम रखे हैं, ठीक है, इस तरह से, या फिर पासवर्ड का कुछ लास्ट का 2-3 कैरेक्टर दिखाए, ठीक है, इस तरह का कुछ हिंट जो है देगा अगर आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो। ये बोल रहा है हिंट पासवर्ड टाइप करो, मैं बोल दे रहा हूँ टाइम 0 4 टाइम 0, ठीक है जी, क्रिएट कर दिया मैं पासवर्ड, ठीक है, विंडोज एल दबाऊंगा तो विंडोज एल से लॉक हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। अबे पासवर्ड मांग रहा है, नहीं डालूंगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है, तो अब हिंट पासवर्ड अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये मैंने विंडोज को लॉक किया है, ठीक है, मैं लॉग ऑफ करूंगा और फिर ओपन करूंगा तब वो हिंट पासवर्ड जो है मुझे दिखाएगा, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ करिएगा और फिर हिंट पासवर्ड आपको दिखाएगा। 1 2 3 4 में 4 बार 0 डाला, ठीक है, हो गया। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ से आऊँगा और लॉग ऑफ, तो अभी लॉग ऑफ किया तो आप लोग देख लिए जी कि कैसे हिंट पासवर्ड बोलता है वो, ठीक है, चलिए रिकवर हो गया है यहाँ जो पिछला रिकॉर्डिंग था। क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल चाहिए ना मेरे को। फिर से मैं आऊँगा यूजर अकाउंट पे, ठीक है, क्लिक किया। अब आप अगर चाहते हैं कि नया अकाउंट बने जी तो कैसे बनेगा नया अकाउंट यहाँ पे, और चेंज योर पासवर्ड का बात कर रहा है। पासवर्ड अगर मैं चेंज करूँगा तो बोल रहा है यहाँ पे करंट पासवर्ड डालो, आप करंट पासवर्ड डालोगे तभी मैं पासवर्ड बदलने दूंगा, ठीक। फिर यहाँ बोल रहा है रिमूव योर पासवर्ड, करंट पासवर्ड डालो तो मैं बदलने दूंगा, ये बोल रहा है। मान लो मैं भूल गया, ठीक है, फिर बोल रहा है चेंज योर अकाउंट नेम, यहाँ पे आऊंगा फिर अकाउंट का मैं नाम बदल लूंगा, कुछ भी नाम लिख दूंगा, ऐसे मैं नहीं बदल रहा हूँ, आप लोग बदल के देख लिया करना। चेंज अकाउंट टाइप, स्टैंडर्ड यूजर बनाना चाह रहे हो या एडमिनिस्ट्रेटर, मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही अभी रहने दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैनेज अनदर अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये दूसरा अकाउंट भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको टर्न ऑन करूंगा तो इस अकाउंट से भी लॉग इन कर सकता है, गेट से भी। यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए न्यू अकाउंट, यहाँ से नया अकाउंट आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आता है पासवर्ड चेंज और रिमूव करने का, जब तक मैं करंट पासवर्ड यहाँ नहीं डालता तब तक मेरा जो है नहीं पासवर्ड चेंज होगा, नहीं पासवर्ड हटा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना, कुछ कमांड है ऐसे जिससे कि पासवर्ड जो है बदल जाता है, ठीक है। मैं ओपन करूँगा CMD, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक करके कर दूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे कमांड टाइप किया नेट यूजर, एंटर मारा तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये है यूजर अकाउंट का नाम। आप लोग ध्यान से इधर देखिए, ठीक है, यहाँ पे यूजर अकाउंट का नाम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नेट यूजर लिखा, पासवर्ड यूजर का नाम लिखता हूँ HEMANT, स्पेस दबाया, मेरा पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4, 4 0 था ना। अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 डाल के एंटर कर दिया। ये बोल रहा है द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, क्या हो गया, पासवर्ड बदल गया बगैर करंट पासवर्ड डाले, ठीक है। अब पासवर्ड बदल गया,
बदल गया ना। बढ़िया टेक्निक है ना जी बदलने का, सामने वाला अपना पासवर्ड नहीं बताता है तो रखे रहे अपने पास, हम बदल देंगे ऐसे। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बताऊं। देखिए आप खोलिए कमांड, ठीक है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, कमांड दूंगा मैं पहले नेट यूजर, एंटर करूंगा तो यूजर का यहां पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे इस यूजर का पासवर्ड बदलना है, HEMANT, नहीं पहले नेट यूजर लिखना पड़ेगा, नेट यूजर फिर HEMANT लिखा। अब पासवर्ड डालने का बारी है, पासवर्ड क्या डाल दूं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड मैं डाल दिया। ठीक ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कर दूंगा जी इंटर, बोला कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल, पासवर्ड फिर से बदल गया, पासवर्ड अब ये हो गया। ठीक, आप कहेंगे जी प्रमाण क्या है कि ये पासवर्ड हो गया। अब मैं लॉग ऑफ वगैरह करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, बंद हो जाएगा जी ये रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं लॉग ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं जाता हूं कंट्रोल पैनल खोलता हूं। ठीक है, खोला, ठीक है, अब यहां पे कर रहा हूं मैं रिमूव पासवर्ड। ठीक है, पुराना पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 4 0, एंटर करके रिमूव पासवर्ड कर रहा हूं, मैं बोल रहा है जी ये गलत है पासवर्ड। फिर पासवर्ड क्या बदला था, 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रिमूव कर रहा हूँ जी, बोल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, क्योंकि मैं लास्ट बार तो फिर से बदल दिया था ना, क्या बदला था, 1 2 3 4 4 0, फिर 1 2 3 4। ठीक, अब मैं करके एंटर किया, पासवर्ड देखिए आपका हट गया। ठीक, तो इस तरह से आप पासवर्ड बदल भी सकते हैं, सामने वाला अगर आपको पासवर्ड नहीं बताता तो। ठीक ठीक है जी, बदल जाएगा पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं जी, नया यूजर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। मैनेज यूजर पे मैं जाऊंगा, क्रिएट न्यू यूजर। ठीक है, अब यूजर किस टाइप का होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी स्टैंडर्ड यूजर बना लूंगा। ठीक है, यूजर का काम लिख क्या नाम दे दूंगा, एक ठो राम नाम से बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट, एक जो है बन के रेडी हो गया। एक और अकाउंट बना लूंगा जी मैं, इसका क्या नाम दे दूंगा जी, मोहन दे दिया, इसको बना देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक किया, बन गया जी अकाउंट। ठीक है, यूजर अकाउंट आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हैं मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखता हूँ याद आ जाए कुछ तो मुझे, कैसे बना सकते हैं यूजर न्यू यूजर, हाँ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे दो जी, SEM एंटर, फुल नेम SEMANT, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग इन। ठीक है, मतलब अगला बार यूजर जब लॉग इन करेगा तब वो पासवर्ड बदल लेगा। ठीक है, ये लिख के मैं क्रिएट कर दिया। ठीक, क्लोज कर देता हूँ, यूजर बन गया होगा जी, सच में बन गया होगा क्या, यहाँ पे आया यूजर, मैनेज यूजर, कहाँ बना है, ये बना है ना, ये देख लीजिए ये बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अकाउंट बन के रेडी है ये। ठीक है जी, तो इन सब अकाउंट ऐसे आप यूजर अकाउंट बना लोगे। ठीक है, अब मैं यहां से आऊंगा, लॉग ऑफ करूंगा। ठीक है, और दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा। ठीक है, तो आप दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा तो उसमें क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूं, दूसरे यूजर से लॉग इन करता हूं, पहले मैं
इस यूजर से देखिए लॉगिन कर लिया हूँ, मेरा माउस थोड़ा स्लो काम कर रहा है, ठीक है, मैं माउस को अपना फास्ट करूँगा। ये देखिए हर यूज़र का अपना अपना सेटिंग होता है, ठीक है, जिस यूज़र में आप जो सेटिंग करेंगे उस यूज़र के लिए वो सेटिंग रहेगा, ठीक है। माउस चाहिए मेरे को ना, ये माउस है, मैं फास्ट कर लेता हूँ इसको, कर लिया, ठीक है। अब देखिए जी, अब यहाँ पे माई कंप्यूटर शो नहीं कर रहा है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और शो ऑन डेस्कटॉप कर लूँगा और आ गया, ठीक है। अब जो यूजर पहले था उसके डेस्कटॉप पे मैंने सारा कुछ कुछ बहुत सारा चीज़ें सेव करके रखा था, ठीक है, लेकिन इस यूज़र के डेस्कटॉप में तो कुछ है नहीं सेव, मैं कुछ करके रखा नहीं हूँ, नहीं रखा हूँ ना। ये देखिए यूजर्स में मैं जाऊँगा, यूजर फोल्डर में ये देखिए ये यूजर है, ये यूजर है, पब्लिक में जाएंगे तो ये सब है, ठीक है। अब मेरे को कौन सा यूजर में मैं लॉगिन हूँ, अभी इस यूजर से लॉगिन हूँ जी, इस यूजर में गया, इस यूजर का ये डेस्कटॉप है। पहले मैं किस यूजर से लॉगिन था, इस यूजर से। अब ये बोल रहा है यू डोंट करंटली हैव परमिटेड टू एक्सेस दिस फोल्डर। तू साधारण सा आदमी, तुच्छा सा आदमी, ये जो राम नाम का यूजर है ये तो स्टैंडर्ड यूजर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है। तो वही बोल रहा है कि तू तुच्छा सा आदमी इस एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट चेक करेगा। मैं बोला तुम्हें मैं तुच्छा नजर आता हूँ। ये बोल रहा है कि तू पासवर्ड बता, मैंने कह दिया यस और ये अकाउंट खुल गया, ठीक है। खुल गया ना जी, खुल जा भाई, खुल गया, ठीक है। अब जो भी डेटा है ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड नहीं बताते तो क्या खुल जाता, पासवर्ड मैंने हटा दिया था, ठीक है, तो मैंने पासवर्ड हटा दिया था और यस किया तो खुल गया जो है। जाते हैं फिर से कंट्रोल पैनल पे, ठीक है, और देखते हैं, मैं तो साधारण यूजर हूँ अभी, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, ठीक है। देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मैं ये सोच रहा हूँ ना। अब देखिए पासवर्ड तो कुछ डाला नहीं है जी, ठीक है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस यूज़र का जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो इसका परमिशन के बगैर मैं मैनेज यूज़र नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन पासवर्ड नहीं डाला इसलिए सीधा मैं यस कर दूंगा तो मेरे ओपन हो जाएगा और मैं नया यूजर बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्यों कैसे बना सकता हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना इसके में पासवर्ड डाला नहीं है, अगर ये पासवर्ड डाला होता तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये आदमी जो है पासवर्ड तो डाला नहीं है, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया नहीं, इसी का अकाउंट मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। कैसे करूँगा जी, डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके, ना भाई ना मत कर, थोड़ा अभी डिलीट कर दूंगा, मज़ा नहीं आएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट अकाउंट किया, ठीक है, डिलीट फाइल, डिलीट अकाउंट, ठीक है, पार हो गया वो अकाउंट, ठीक। कैसे डिलीट हो गया जी, वो नहीं होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अकाउंट तो तुच्छा सा स्टैंडर्ड यूज़र है, वो इसलिए क्योंकि इसके अकाउंट में पासवर्ड नहीं डाला था। पासवर्ड अगर डाला होता, ठीक है, तो क्या होता, ये यूजर नहीं डिलीट कर पाता, नहीं फोल्डर एक्सेस कर पाता यूजर का, ठीक है। इसमें पासवर्ड डाल देता हूं मैं, चेंज पासवर्ड, छोड़िए हटाइए। मैं क्या करता हूं अब, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर था ना पहले, उसमें मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद देखता हूँ कि मैं ये सब एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। मैं कमांड चलाता हूँ नेट यूजर वाला, ठीक है, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकता, कमांड भी नहीं चला सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड यूजर था, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अगर रहता तो चला पाता था, ठीक है।
अब इसमें पासवर्ड तो डाला नहीं है तो इसलिए मैं यस करूंगा, तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा मेरा कमांड। लेकिन अगर पासवर्ड डाला होता तब मैं कमांड को भी एक्सेस नहीं कर पाता, पासवर्ड भी नहीं बदल सकता था, नहीं प्रोटेक्ट कर सकता था। यस किया आ गया, मैं नेट यूजर यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, एंटर मारा, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये गेस्ट अकाउंट है, और ये क्या है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है लेकिन ये पहला अकाउंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस अकाउंट में पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, डाल सकता हूँ मैं पासवर्ड, नहीं डाल सकता, 1 2 3 4 चार ठो जीरो में देके कर देता हूँ एंटर, डाल दिया पासवर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, जाता हूँ माई कंप्यूटर में, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यूजर्स में आता हूँ, अब इसको ओपन करता हूँ। तो एक बार मैंने ओपन कर ही दिया था जो है, तो अब तो ओपन कर ही सकता हूँ मैं, ठीक है। लॉग ऑफ करके फिर मैं लॉग इन करता हूँ और फिर उस अकाउंट को ओपन करने का कोशिश करता हूँ, क्या कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, इसको पॉज करता हूँ मैं, रिफ्रेश किया मैं, राम यूजर से मैं फिर से लॉग इन किया हूँ लॉग ऑफ करके, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, इसको ओपन करता हूँ, यूजर खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, खुल चुका है एक बार जो मैंने खोला तो, ठीक है। अब फिर से मैं मैनेज यूजर करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जा करके यूजर अकाउंट में मैं जाऊंगा, मैनेज यूजर, अब पासवर्ड ये मांग रहा है, पासवर्ड तो मैंने बदल दिया था, जब तक पासवर्ड मैं नहीं डालता तब तक मैनेज यूजर में नहीं कर सकता, ठीक है। और मैनेज पे जाता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 डाल के एंटर मारा तो अब मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब मालिक है, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो होगा वो कुछ भी कर सकता है कंप्यूटर के अंदर, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूजर है वो कुछ भी नहीं कर सकता जी, डेट टाइम तक नहीं बदल सकता। आपने देखा मैं अभी डेट टाइम बदल रहा था, ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आऊंगा, चेंज डेट एंड टाइम पे जाऊंगा, इस पे आऊंगा, तो ये देखिए पासवर्ड मांगने लगा ना यूजर का, तो डेट टाइम तक नहीं बदल सकता जी स्टैंडर्ड यूजर, सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता जी, ठीक है, किसी दूसरे यूजर का फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है, पहला बार मैंने इसमें यस कर दिया था इसलिए एक्सेस कर पा रहा था वो, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रहेगा उसको सारा अधिकार होगा, पर जो स्टैंडर्ड यूजर होगा उसको बहुत लिमिटेड अधिकार होंगे, ठीक है, वो यूजर अकाउंट नहीं बना सकता, दूसरे का यूजर अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूजर है, ये स्टैंडर्ड यूजर है, ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए जी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर और स्टैंडर्ड यूजर का मतलब, समझ गया नहीं समझे। मैं क्या करता हूँ, चेंज योर पिक्चर, नहीं इस पे नहीं जाऊँगा, चेंज योर अकाउंट नेम, अब फिर से पासवर्ड डालूंगा तभी मैं अपना अकाउंट का नाम भी बदल सकता हूँ, क्या मजाक है, क्या नाम दे दूँ जी, श्याम दे देता हूँ, अब कर दिया चेंज अकाउंट, ठीक है, अकाउंट का टाइप बदल दे सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 अकाउंट टाइप आके मैं कर दिया जी, तथास्तु, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, बन गया ये, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ इधर, अब इस पे मैं आता हूँ, लेकिन फिर से पासवर्ड मांगेगा ये है सुपर यूजर एडमिन है तो इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता जी, ठीक है। अब मैं बदल सकता हूँ इधर से, ठीक है जी। तो ये सब आप कर लिया करोगे, बड़ा आसान काम है, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि क्रिएट पासवर्ड रीसेट डिक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप इसमें पासवर्ड डाले, ठीक है, और भूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे जी, कंप्यूटर फॉर्मेट करेंगे, मजा नहीं आएगा। विंडोज़ के पासवर्ड को ब्रेक करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, रिपेयर मोड में चालू करके कमांड को ओपन कर लो,
फिर कंट्रोल यूजर्स पासवर्ड करके कमांड डालते हैं, फिर रीसेट करने का आ जाता है ऑप्शन और पासवर्ड वहाँ से रीसेट हो जाता है, ठीक है। पर आप चाहें तो क्रिएट ए पासवर्ड रीसेट डिस्क पे क्लिक कर सकते हैं जी। ये ऐसे आएगा, नेक्स्ट बोलेगा, ठीक है। मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो उसको ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, नेक्स्ट किया। अब ये बोल रहा है करंट यूजर अकाउंट का पासवर्ड दो, 1 2 3 4 चार बार 0 मैंने दे दिया, अब कर दूंगा नेक्स्ट। है पासवर्ड गलत है क्या यार, पासवर्ड में क्या डाला था है? बताया नहीं था क्या? नहीं। ये तो मजा नहीं आया। 1 2 3 4 भूल गया मैं पासवर्ड क्या था। क्या था पासवर्ड? वो तो पहले बार में डाला था सतयुग में। अच्छा बाद में डाला था। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं, पासवर्ड में क्या डाला था मुझे मालूम नहीं। क्या था पासवर्ड? 1 2 3 4 अरे खुल तो जा। नो प्रॉब्लम जी, हम कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इधर से मैं बदल लूंगा पासवर्ड। ये मजा नहीं आया मेरे को इधर से पासवर्ड बदलना। पासवर्ड आखिर मैं डाला क्या था? मेरा याददाश्त इतना कमजोर कैसे हो गया? चलिए अब तो बदल गया ना। 1 2 3 4 चलो भाई। हाँ अब की बार ले लिया पासवर्ड। अब ये रीसेट डिस्क बना के रेडी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, कर दिया जी फिनिश, ठीक। अब क्या हुआ ये देखिए, इसमें पासवर्ड हमारा सेव कर दिया वो, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है जो मैंने बनाया पासवर्ड, ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये समझ में तो आएगा नहीं आपको, आपको ही नहीं मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप जब कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी फिर से पासवर्ड बदल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही आप पासवर्ड गलत डालेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा रीसेट पासवर्ड, ठीक है, और फिर आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल लगाया हो ना, या उस समय भी लगाना पड़ेगा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है, और जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है, तो वैसे ही पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा और नया पासवर्ड बनाने का भी ऑप्शन वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। मैं लाइव तो रिकॉर्डिंग में तो नहीं करके दिखा सकता जी, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करके फिर लॉग ऑफ करके फिर लॉग ऑन करके गलत पासवर्ड डाल के और फिर रीसेट करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे करूँगा मैं? लॉग ऑफ करूँगा, ठीक है, और फिर लॉग ऑन जब करूँगा तो गलत पासवर्ड डालूंगा, तो ऑप्शन वहाँ पर एक आ जाएगा पासवर्ड रीसेट करने का, ठीक है। तो फिर रीसेट डिस्क जो मैं ये देखिए इसमें जो मैं यहाँ पे रखा हूँ ना, आप मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर लें, पेन ड्राइव इस्तेमाल कर लें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो एक की जिस पेन ड्राइव में आप बना के रखे रहोगे, ठीक है, उस पेन ड्राइव को लगाओगे और गलत पासवर्ड डालने के बाद शो कर देगा आपको, क्या शो कर देगा? रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन, ठीक है। और फिर उस रीसेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे पेन ड्राइव लगा करके, तो फिर क्या होगा, पासवर्ड आपको नया बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका मतलब है जी। मैं इसको बंद करता हूँ, फिर लॉग ऑफ करूँगा।